21 मई 1991 का दिन था और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बतूर में थे। यहां पर वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे, लेकिन मंच पर पहुंचने से पहले ही उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया। आज की इस वीडियो में हम राजीव गांधी की हत्या के दिन की पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद साल 1991 में देश में आम चुनाव हो रहे थे। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी 21 मई 1991 को विशाखापट्टनम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे। जनसभा खत्म होने के बाद राजीव गांधी को उसी दिन चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित श्री पेरम्बतूर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए एक और जनसभा को संबोधित करने जाना था। शाम 6 बजे राजीव गांधी विशाखापट्टनम से चेन्नई के लिए विमान पर सवार होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पायलट उन्हें आकर बताते हैं कि विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई है और उनकी संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। इसके बाद राजीव गांधी कार में सवार होकर गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते हैं और वो रास्ते में ही होते हैं कि तभी अचानक मोटरसाइकिल पर तेजी से आकर एक पुलिस अधिकारी राजीव गांधी की कार को रोक कर उन्हें बताता है कि विमान की गड़बड़ी ठीक कर ली गई है। राजीव गांधी उस दिन बहुत थक चुके थे, वह उस दिन चेन्नई नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी पार्टी उम्मीदवार के अनुरोध को भी ठुकरा नहीं पा रहे थे। शाम 6:30 पर राजीव गांधी का विमान विशाखापट्टनम से चेन्नई के लिए उड़ान भरता है। चेन्नई पहुंचने के बाद राजीव गांधी एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के साथ श्री पेरम्बतूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर वहां पहुंचकर राजीव गांधी सबसे पहले इंदिरा गांधी की मूर्ति को माला पहनाते हैं और फिर जनसभा की ओर चलने लगते हैं, जहां पहले से मौजूद कुछ लोग राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाकर स्वागत करते हैं। इसी दौरान वहां पर मौजूद सुसाइड बॉम्बर धनु भी राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाने के बहाने पास आने की कोशिश करती है। तभी एक महिला सब इंस्पेक्टर से आगे जाने से रोकती है, लेकिन राजीव गांधी के कहने पर वह धनु को पास जाने देती है और फिर धनु राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाकर जैसे ही पैर छूने के बहाने झुकती है तो वह अपनी बम जैकेट का बटन दबा देती है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके के बाद चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है और ग्राउंड में भगदड़ मच जाती है और इस धमाके में राजीव गांधी समेत कई लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई ये बात तो हमने इस वीडियो में जान लिया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या किसने और क्यों की इसको जानने के लिए हमें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, श्रीलंका जब आजाद हुआ उस समय वहां अधिक संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले सिन्हला समुदाय के लोगों के साथ साथ तमिल भाषी लोग भी रहते थे। श्रीलंका की आजादी के समय से ही वहां तमिल भाषी लोगों को बहुसंख्यक बौद्ध धर्म को मानने वाले सिन्हला समुदाय की उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। धीरे धीरे तमिल लोग हर क्षेत्र में हाशिए पर ढकेल दिए गए थे। इस भेदभाव के कारण तमिलों ने वहां हथियार उठा लिए और फिर वेलुपिल्लई प्रभाकरन नाम के युवा तमिल ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। साल 1980 आते आते लिट्टे सबसे मजबूत अनुशासित और बड़ा तमिल आतंकवादी संगठन बन गया था। उस समय भारत के तमिल लोग श्रीलंका के तमिल से सहानुभूति रखते थे और वे श्रीलंकाई तमिलों के सहयोग की मांग सरकार से करने लगे थे। इसी बीच जुलाई 1983 में श्रीलंका में 13 सैनिकों की हत्या के बाद दंगे भड़क गए, जिसमें तमिल लोग बड़ी संख्या में मारे गए और श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तभी 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत को श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम का एक सैन्य दल भेजना था, जिसे लिट्टे का आत्मसमर्पण करवाना था। शुरू में लिट्टे आत्मसमर्पण के लिए तैयार था और कई सामूहिक आत्मसमर्पण भी हुए, लेकिन समय के साथ उनके मिशन में बदलाव आया और फिर जंगलों में लिट्टे और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आमने सामने आ गए, जिसके बाद दिल्ली में राजनीतिक दल IPKF को वापस बुलाने की मांग करने लगे।
साल 1989 में दिल्ली में सत्ता बदली और नई वीपी सिंह की सरकार ने श्रीलंका से आईपीकेएफ को वापस बुला लिया। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते का एक बार फिर पक्ष लिया। इससे लिट्टे को ईलम का सपना टूटता दिखा और उसने समझ लिया कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उनका सपना टूट जाएगा, और फिर लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश शुरू कर दी। इस साजिश को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, खुफिया इकाई के प्रमुख पोट्टू ओमान, महिला दल के प्रमुख अकीला और शिवराशन ने रचा था, जिसमें शिवराशन इस प्लान का मास्टरमाइंड था। राजीव गांधी का इंटरव्यू प्रकाशित होने के एक महीने बाद ही लिट्टे के आतंकियों की पहली टुकड़ी भारत आई। मई 1991 के पहले सप्ताह में ही आत्मघाती दस्ते की ट्रेनिंग के तौर पर मद्रास में वीपी सिंह की सभा में धनु, सुधा और नालिनी को सुरक्षा घेरा तोड़ने का अभ्यास कराया गया। धनु और सुधा ने वीपी सिंह को माला भी पहनाई। इसके बाद 19 मई को शिवराशन को अखबारों से राजीव गांधी के चुनावी कार्यक्रम के बारे में पता चला, और फिर 21 मई को राजीव गांधी के श्री पेरम्बतूर की यात्रा वाले दिन को चुना गया। इस सभा में धनु ने वहां राजीव गांधी के नजदीक पहुंचकर धमाके को अंजाम दे दिया और एक पल में देश ने अपना पूर्व प्रधानमंत्री खो दिया। दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी जी की हत्या की स्टोरी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और साथ में हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें।